आज आपको विंडोज 7, 10 और 11 में विंडोज़ डिजेबल करना सिखाएंगे। हमारे पास तीन यहाँ पे सिस्टम है, ये विंडोज़ 10 है, ये विंडोज़ 7 और ये विंडोज़ 11 है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए विंडोज़ यहाँ 11 है, ये 7 है और ये 10 है। तो आपको मैं बता रहा हूँ विंडोज़ 11 में कैसे क्लिक करना है। विंडोज़ आप क्लिक कीजिएगा, आइकन खुलेगा, सर्विसेज टाइप करना है, SERVICES सर्विसेज टाइप करना है, फिर ओपन करना है आपको सर्विसेज। एक ये आइकन होगा, फिर आप विंडोज़ W प्रेस करना होगा। यहाँ पर देखिएगा विंडोज़ अपडेट, यहाँ पर जाने के बाद इसको डिसेबल कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी मैं डिसेबल करके रखा था, ये ओके प्रेस कर दीजिएगा, ये डिसेबल होकर रखा है। इसमें मेरे को आपको बताना है कि डिसेबल कैसे करना है। ठीक है, हाँ, ये विंडोज़ का जो कंट्रोल 7 है, कंट्रोल पैनल में जाना, यहाँ पर विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आता है, चेंज सेटिंग में जाना, यहाँ पे इंस्टॉलेशन रिकमेंडेड है, यहाँ पे नेवर चेक क्लिक कर देना, अलाउ को अनचेक कर देना, फिर ओके प्रेस कर देना है, ये हो गया। और एक ऑप्शन है विंडोज़ क्लिक करना है, सर्विसेज टाइप करना है, सेम एज अ विंडोज़ 11 में जैसे किया था, SERVICES सर्विसेज में जाना है। फिर वहाँ पर विंडोज़ में विंडोज़ अपडेट का एक ऑप्शन आया, W प्रेस करने से विंडोज़ अपडेट का आ जाएगा हम लोग का विंडोज़ अपडेट। यहाँ पर मुझे डिसेबल कर देना, स्टॉप कर देना, अप्लाई, ओके। सेम इस तरह आपका विंडोज़ 10 में होना है। विंडोज़ क्लिक करना, सर्विसेज SERVICES सर्विसेज टाइप करना, फिर विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आएगा, रनिंग हो रहा है यहाँ पे, इसको डिसेबल, अप्लाई, ओके, बस हो गया।